एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है नितिन कुमार। मैं आपके लाया नया वीडियो ऑन एनडी कॉमर्स अकेडमी ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे अपने न्यू चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज के बारे में। नया चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसका नाम रहेगा आज इंडेक्स नंबर। जी हाँ, आज हम इंडेक्स नंबर को स्टार्ट करेंगे और आज इस चैप्टर को भी हम इसके कंसेप्ट को भी हम स्टार्ट करके पढ़ेंगे। ये बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के एग्जाम में 15 मार्क्स का चैप्टर आता ही आता है। इसका एक क्वेश्चन हमेशा से ही एग्जाम में आता रहा है, तो हमेशा ही आता रहा है तो आगे भी ये आएगा। तो आज हम इसी चैप्टर को करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट्स को भी आज हम सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर स्टैटिस्टिकल मेजर के लिए एक टूल है टू शो अ चेंजेस इन अ वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ रिलेटिव वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ज्योग्राफिकल लोकेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, चाहे वो इनकम हो चाहे वो प्रोफेशन हो। इंडेक्स नंबर क्या होता है? इंडेक्स नंबर एक मेजर होता है, यानी मापने का तरीका होता है, जो आपके वेरिएबल्स के बीच में या आपके ग्रुप ऑफ वेरिएबल के बीच में किसी बेस के ऊपर आपको क्या करता है, आपके स्टैटिस्टिक्स को मापता है, चाहे वो बेस टाइम हो चाहे वो बेस ज्योग्राफिक लोकेशन हो, किसी बेस के ऊपर ही आपको आपके वेरिएबल के थ्रू मेज़र करके देता है। अब इंडेक्स नंबर में कितने तरह के आते हैं? इंडेक्स नंबर आपके तीन तरह के आते हैं। एक होता है प्राइस इंडेक्स नंबर, एक होता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, एक होता है वैल्यू इंडेक्स नंबर। आगे मेथड, मेथड के तरीके होता है इंडेक्स नंबर में दो तरीके के, एक होता है अनवेटेड, एक होता है वेटेड। एक होता है अनवेटेड मेथड, एक होता है वेटेड मेथड। अनवेटेड मेथड किसे कहते हैं? जिसमें सिंपल एग्रीगेट मेथड आए और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड हो। और वेटेड में क्या होता है? वेटेड एग्रीगेट मेथड और वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड होता है। चलिए आगे सीखते हैं। पहले हम पढ़ेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर, यानी जो प्राइस के बेस पर आपके मेजर करे जाते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इंडेक्स नंबर। दे आर इंडिकेटर्स विच रिफ्लेक्ट द रिलेटिव चेंजेस इन द लेवल ऑफ प्राइजेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और ज्योग्राफिकल लोकेशन। एक समय में कितने कितने प्राइस में अंतर आया, 2010 में इस प्रोडक्ट का प्राइस इतना था, 2015 में इस प्रोडक्ट का प्राइस इतना है, या ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेस पर मैं देखूँ तो महाराष्ट्र में इसका प्राइस इतना है और दिल्ली में इसका प्राइस इतना है, तो उसके चेंजेस को हम प्राइस इंडेक्स नंबर के द्वारा देख पाते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर आर यूजफुल इन स्टडिंग प्राइस मूवमेंट्स विद अ व्यू ऑफ एनालाइजिंग देयर कॉजेज एज वेल एज टू डिटरमाइन देयर इफेक्ट ऑन दी इकोनॉमी। प्राइस इंडेक्स नंबर एक बहुत यूजफुल स्टडी मूवमेंट है आपका प्राइस से रिलेटेड। ये एनालाइज करता है किन कारणों से आपके प्राइस में इफेक्ट आया। आइए देखते हैं पहला मेथड हम सिंपल एग्रीगेट मेथड। सर कौन से चीज़ से? सर ये है अनवेटेड से, क्योंकि सिंपल लिखा है, अगर वेटेड होता तो वेटेड लिखाई देता। पहले हम सीखेंगे सिंपल एग्रीगेट मेथड से। P01 प्राइस इंडेक्स नंबर इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन में सिग्मा P0 मल्टीप्लाई 100। अबे P01 बता रहा है, 0 और 1 का मतलब है कि ये दोनों ही बेस पर, 0 और 1 के बेस पर। अब 0 कब लगता है? बेस ईयर में, और 1 कब लगता है? करंट ईयर में। बता रहा हूँ 0 कब लगता है, जब बेस ईयर में और करंट ईयर में दोनों के बीच में क्या पता लगा रहे हो, रिलेशन पता लगा रहे हो। 0 कब लेंगे? P0 कब लेंगे? P0 होगा आपका बेस ईयर, जिस ईयर के बेस पर आप कंपैरिजन करना चाहते हो या जिस ईयर के बेस पे आप पता लगाना चाहते हो कि हाँ कितने चेंजेस हुए, उसे हम P01 से, यानी उस बेस ईयर के प्राइस इंडेक्स को हम P01 कहेंगे। नेक्स्ट, और P1 कैसे कहेंगे? करेंट ईयर, और जिस को आप कंपेयर करना चाहते हो, जिस से आप कंपेयर करना चाहते हो बेस ईयर को, उस ईयर को हम कहेंगे करेंट ईयर। बेस ईयर को जिस ईयर से कंपेयर करना चाहते हो वो ईयर आपका करेंट ईयर कहलाएगा, और बेस ईयर को हम कहेंगे P0। क्लियर हो गया? जी सर क्लियर हो गया। तो सिंपल एग्रीगेट मेथड में क्या फॉर्मूला लगता है? P01 इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन में सिग्मा P0 इंटू में 100। नेक्स्ट देखो, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, प्राइस रिलेटिव, क्या सिंपल एवरेज कैसे निकालते हैं? पी निकालते हैं सिर्फ, इसमें P01 नहीं, सिर्फ पी। पी इक्वल टू P1 अपॉन में P0, पी इक्वल टू P1 अपॉन में P0 इंटू में 100। और यहाँ पे P का मतलब क्या है? P का मतलब है प्राइस रिलेटिव फॉर अ कॉमोडिटी, एक कॉमोडिटी का प्राइस रिलेशन। ये देखो सिंपल अर्थमेटिक मीन से किस तरह निकालेंगे? प्राइस इंडेक्स यूजिंग सिंपल अर्थमेटिक मीन ऑफ द प्राइस रिलेटिव इज गिवन बाय P01 इक्वल टू 1 अपॉन एन सिग्मा P1 अपॉन में P0 इंटू में 100। एक ये वाला फॉर्मूला लगा लो, चाहे आप एक ये वाला फॉर्मूला लगा लो। प्राइस इंडेक्स यूजिंग ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द प्राइस रिलेटिव इज गिवन P01 इक्वल टू एंटी लॉग रूट
ब्रैकेट वन अपॉन एन सिग्मा लॉग पी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100। फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन में जो आपके एग्जाम में जो आएगा वो एवरेज सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव ये निकालने के लिए नहीं बोलेगा, वो ये निकालने के लिए बोलेगा। या तो सिंपल अर्थमेटिक मीन के द्वारा लिखा लो या आपके ज्योमेट्रिक मीन के द्वारा लिखा लो। तो एग्जाम में बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना किसके अकॉर्डिंग बोला है। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन समझा देता हूँ जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स फॉर 2003 यूजिंग 2001 एज द बेस पीरियड। कह रहा है कि आपको प्राइस इंडेक्स निकालना 2003 का किस ईयर को बेस मान के, 2001 को बेस मान के बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड के द्वारा। अच्छा भाई, कॉमोडिटी पाँच दिए, पाँच कॉमोडिटी का प्राइस इंडेक्स निकालना है, ए का भी, बी का भी, सी का भी, डी का भी और ए का भी। प्राइस इन 2001 में प्राइस कितना दिया है, 30, 25, 90, 15, 96। ओके, प्राइस इन 2003 40, 48, 108, 24 और 120 दिया है। आगे ऑल्सो कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स बेस्ड ऑन प्राइस रिलेटिव यूजिंग द अर्थमेटिक मीन एज वेल एज ज्योमेट्रिक मीन। सिंपल एग्रीगेट मेथड के द्वारा तो प्राइस इंडेक्स निकालना है, ऑल्सो और भी क्या निकालना है, प्राइस इंडेक्स बेस्ड ऑन प्राइस रिलेटिव यूजिंग अर्थमेटिक मीन एज वेल एज ज्योमेट्रिक मीन, दोनों मेथड्स हैं। तो प्राइस इंडेक्स के बेस पर आपको प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव जब बोल दे तो यानी सिंपल एवरेज का प्राइस रिलेटिव निकालना है, अर्थमेटिक मीन के बेस पर भी और ज्योमेट्रिक मीन के बेस पर भी। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले हमें निकालना है सिंपल एग्रीगेट मेथड के द्वारा प्राइस इंडेक्स। तो सिग्मा पी वन अपॉन में सिग्मा पी जीरो, पी वन क्या है आपका प्राइस इन 2003, पी जीरो क्या है आपका प्राइस 2001। कॉमोडिटी ली मैंने ए बी सी डी ई, प्राइस लिया पी जीरो 30, 25, 90, 15 और 96। प्राइस इन 2003 क्या लिया, पी वन 40, 28, 100, 24 और 120 लिया। नेक्स्ट अब सिग्मा पी जीरो सिग्मा पी वन, तो इससे सिंपल एग्रीगेट मेथड के द्वारा तो आपका इजीली निकल जाएगा। कैसे लिख लेगा, द प्राइस इंडेक्स यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड इक्वल टू सिग्मा पी वन अपॉन में सिग्मा पी जीरो इंटू में 100। सिग्मा पी वन कितना है, 320। सिग्मा पी जीरो कितना है, 256 इंटू में 100। 125% आपका सिंपल एग्रीगेट मेथड के द्वारा प्राइस इंडेक्स निकल गया, यानी प्राइस में चेंजेस 125% आपके हुए हैं एग्रीगेट। ओके, नेक्स्ट प्राइस रिलेटिव निकालना है अर्थमेटिक मीन के द्वारा। क्या फॉर्मूला है, पी जीरो वन इक्वल टू वन अपॉन एन सिग्मा पी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100। प्राइस इंडेक्स यूजिंग अर्थमेटिक मीन पी जीरो वन इक्वल टू सिग्मा वन अपॉन एन सिग्मा पी, पी क्यों, क्योंकि पी वन पी कैसे निकलता है, पी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100 से निकलता है, पी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100। तो यहाँ पर अगर सिग्मा पी भी रखूँगा तो बात तो एक ही पड़ेगी। अब देखो सिग्मा पी, अब पी कैसे निकालते हैं, पी वन अपॉन पी जीरो से। तो देखो पी वन कितना है, 30। पी वन कितना है, सॉरी पी वन है 40 और ये है 30। तो 40 अपॉन में 30 इंटू में 100 133.33। नेक्स्ट ऐसे 28 अपॉन में 25 112, 108 अपॉन में 90 इंटू में 100 120, 24 अपॉन में 15 इंटू में 100 160, 120 अपॉन में 96 इंटू में 100 125। ये निकल गया पी वन अपॉन में पी जीरो, पी की जगह रख दो, पी निकल गया आपका सिग्मा पी, टोटल कर लेंगे 650 पॉइंट, टोटल कर लेंगे 650.33 निकल जाएगा आपका। क्लियर है, वैल्यू को पुट कर दो, वन अपॉन एन सिग्मा पी, एन मतलब नंबर ऑफ आइटम, कितने नंबर ऑफ आइटम है, 1, 2, 3, 4, 5 है। ओह गलती हो गई, यहाँ पे 6 नहीं 5 आएगा। नेक्स्ट 650.33 डिवाइड बाय 5 130
क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें, प्राइस इंडेक्स एंड प्राइस रिलेटिव यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के द्वारा कैसे लगाएंगे? एंटी लॉग वन अपॉन एन सिग्मा लॉग पी, एंटी लॉग वन अपॉन एन, एन कीजिएगा 1/5, वन अपॉन में 5 इंटू में लॉग पी। लॉग पी कैसे निकालेंगे? आपको लॉग की वैल्यू निकालना मैंने सिखा रखा है, फिर से एक बार सिखा देता हूँ आपको ताकि आपको ईजिली घर बैठे बैठे भी ईजिली आ जाए। लॉग को सीखने के लिए आपके पास लॉग टेबल होना बहुत ज़रूरी है, विदाउट लॉग टेबल आपको ये समझ में नहीं आएगा। देखते हैं लॉग टेबल का अकॉर्डिंग, क्योंकि लॉग टेबल आपको मिलेगी एग्जाम में, नहीं मिलते तो आप लॉग टेबल की फोटोकॉपी करा के लेके जा सकते हैं। देखिए मेरी बुक में लॉग टेबल पहले से गिवन है, लॉगरिथम टेबल। अब देखो कैसे निकालेंगे, कैसे देखते हैं लॉग टेबल। लॉग पी निकालना है आपको, पी की जो वैल्यू है इसका लॉग निकालना है। अब देखो किसका लॉग निकालना है? पी का। पी पे वैल्यू कितनी है? 133.33, इसका लॉग निकालना है, ठीक है। अब जो लॉग टेबल गिवन होती है वो आपको गिवन होती है 10 से 99 तक। लॉग टेबल गिवन होती है 10 से 99 तक। यहाँ पे लॉग मान रहा है आपका 133.33, तो सर कैसे निकाले? ये तो 100 के भी ऊपर चला गया। अगर 133.33 लिखा है बेटा तो हम जाएंगे 13 में। किस में जाएंगे बेटा? 13 में जाओ। 13 में किस में जाओगे बेटा? 3 में, और फिर उसके 3 में। 13 में जाओ, 13 में किस में जाओगे? 3 में। कितनी वैल्यू दे रखी है? 12.39। कितनी वैल्यू दे रखी है? फिर से बता रहा हूँ आपको, 12.39। फिर से देख लो, ध्यान से समझना, 133.33 दे रखा है तो मैं 13 में जाऊँगा, क्योंकि 10 से लेके 99 तक ही वैल्यू गिवन है, तो पहले जाएंगे 13 में। 13 में पहुँच गए, हाँ जी पहुँच गए। पहुँचने के बाद किस में जाएंगे हम? 3 में। 12.39 दिया, हाँ जी दिया 12.39। इसके बाद आप देखो 13 के 3 में चले गए, फिर 0.33 लिखा है तो उसके बाद पॉइंट वाले 3 में चले जाओ। पॉइंट वाला 3 कहाँ है? ये रहा। कितनी वैल्यू दी है पॉइंट वाले 3 में आपको? 10 दिए। कितने दिए? 10। तो 12.39 में ये 10 प्लस करो, 12.39 में ये 10 प्लस करो, कितना हो गया? 12.49 हो गया। सर 12.49 हो गया। आगे ये 12.49 निकलने के बाद अब ये पता लगाओ कितनी वैल्यू का आपने लॉग निकाला। मैंने लॉग निकाला है 3 वैल्यू का, 133। पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं होती, ये तक वैल्यू होती है, 3 वैल्यू का। तो अगर आपने 3 वैल्यू का निकाला है लॉग, तो इसमें 3 वैल्यू में -1 कर दो, जो वैल्यू आएगी वो उस लॉग जो वैल्यू आएगी उसके आगे लग जाएगा। हमारा आया था 12.49, ठीक है। जो जितनी वैल्यू का लॉग निकाल लो, कितने वैल्यू का लॉग निकाल लो? 3। -1 करो, 2, इसके आगे 2 लग जाएगा, तो आंसर आएगा 2.1249। सर फिर से सिखाओ, फिर से सिखाओ, आओ बेटा फिर से सीखते हैं। 112 का निकालना है, क्या बताया मैंने? 112 तो 10 से लेके 99 में नहीं आता, हाँ सर नहीं आता, तो 11 में जाओ। पहुँच गए सर 11 में। 11 किस में जाओ? अगर यहाँ पे 0 लगा होता तो 0 में जाते, 1 लगाए तो 1 में जाते, लेकिन 2 लगाए तो सर 2 में जाएंगे, 11 के 2 में। 0492 लगाए सर, हाँ बेटा 0492 लगाए। कितनी वैल्यू का लॉग निकाल लो? सर 3 वैल्यू का, तो इसके आगे 3 में से कितने माइनस करोगे? -1, कितना आ जाएगा? 2, तो 2.0492। क्लियर हो गया? 2.0492। सर फिर से नहीं आया, फिर से देखो 120 का निकालना है, किस में जाओगे? 12 में। उसके बाद क्या लगाए? 0, 0 पे देखो वैल्यू 0.792। ये सारी वैल्यू पॉइंट में है, तो इसलिए इनके आगे कुछ लगाना पड़ता है आपको। तो देखो यहाँ पे कितनी वैल्यू? 3, -1, 2.0792। अगर सर 12 होता तो 2 वैल्यू का निकाल लो तो 1, और अगर सर 8 होता तो, यानी एक ही डिजिट होती तो 8 में से, यानी एक डिजिट का निकाल लो, एक में से एक माइनस करना तो कितना आएगा? 0, तो 0 आया था, 0.0792। जितनी वैल्यू का निकाल लो उसमें से 1 माइनस होता जाएगा। 160 का निकालना है, किस में जाओगे? 16 में। 16 किस में? 0 में। 0.2049 कितनी वैल्यू का निकाल लो? 3 वैल्यू का, आगे माइनस कर दो, कितनी बची? 2, 2.2041। नेक्स्ट 125 का निकाल लो, तो 12 के 5 में 0.969, तो 0.0969 इसका कितना निकल जाएगा? 2, 2.0969। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका सिग्मा कर लो, आप ज्योमेट्रिक मीन के अकॉर्डिंग निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मीन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है? 1/n सिग्मा लॉग पी, 1/n 1/5 मल्टीप्लाई लॉग पी की वैल्यू 10.5543 रखो।
10.5543, डिवाइड करो 1.75705905, इसके आगे क्या लगाएं, एंटी लॉग, एंटी लॉग लगाएं। अब एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेम एंटी लॉग के टेबल में जाओ, ये एंटी लॉग का टेबल है, ये पॉइंट में गिवन होता है क्योंकि हम इसकी पॉइंट की वैल्यू को निकालते हैं, किसकी वैल्यू का, पॉइंट की वैल्यू का, क्या लिखा है 0.75905 है, तो सिर्फ पीछे वाली वैल्यू को निकालते हैं एंटी लॉग, पीछे वाली वैल्यू को, पीछे वाली वैल्यू को, पीछे वाली वैल्यू को, फिर से बता रहा हूँ, पीछे वाली वैल्यू को एंटी लॉग निकालते हैं। ये एंटी लॉग टेबल कहाँ से लेकर कहाँ तक दी होती है, 0.00 से लेके 0.99 तक दी होती है, हमें किसका निकालना है 1.75, तो आगे की डिजिट छोड़ के 0.75 में जाओ, 0.75 पहुँच गए, 0.75, हाँ जी सर पहुँच गए, इसमें भी बाद वाली वैल्यू क्या है 9, तो 0.75 पे 9 में जाओ, 9 में वैल्यू दिवन है 5741, क्या कि मैंने देख लो बेटा, फिर से बता रहा हूँ मैं, 0.75 में किस में जाना है, 9 में, किस में जाना है, 9 में जाना है, 9 में, तो 0.75 के 9 में जाओ 5741, फिर किस में जाओ, 9 के बाद क्या वैल्यू है, जीरो वैल्यू है, फिर जीरो में जाओ, जीरो इसके बाद, जीरो है ही नहीं, तो हम इतनी ही वैल्यू ले लेंगे, कितनी 5741, कितनी ले लेंगे 0.75 के 5741 ही वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि जीरो पर कोई वैल्यू नहीं है, इसके बाद कोई जीरो पर वैल्यू नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो की वैल्यू नहीं है, तो नहीं लेंगे, तो इसलिए 5741 आ गया। अब देखो आगे जो डिजिट लगी है, अगर 1 लगाए तो उसमें 1 प्लस हो जाता है, लॉग में 1 माइनस होता है, एंटी लॉग में 1 प्लस होता है, इसके आगे जो वैल्यू लगी है, अगर यहाँ पर 2 लगा होता तो 3 के बाद पॉइंट लगता 2.0, 2 लगा होता तो 2 में 1 प्लस करता, 3 के बाद पॉइंट लगता, क्लियर है, 1 लगाए तो 1 प्लस कर देंगे, 2 के बाद पॉइंट लगे 57.41, क्लियर हो गया। और अगर सर 0 लगा होता, 0 लगा होता तो 1 के बाद पॉइंट लगता, क्योंकि 0 प्लस 1, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, आई होप आप सबको क्लियर हो गया। ये आपका पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपके लिए कराया है, कौन से मेथड से, सिंपल मेथड से, इसके लिए मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ ताकि आपको भी और तरीके से आ जाए। होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है सिंपल एग्रीगेट मेथड के अकॉर्डिंग, क्या प्राइस इंडेक्स, और दूसरा कैलकुलेट करना है आपको प्राइस रिलेटिव, अर्थमेटिक मीन से भी और ज्योमेट्रिक मीन से भी, जैसा भी क्वेश्चन दिया वैसे सेम क्वेश्चन है, कॉमोडिटी गिवन है ए बी सी डी ई और एफ, प्राइस गिवन है आपको 1990 का, 1990 में कॉमोडिटी ए का प्राइस था 20.45, ठीक है जी, अर्थमेटिक मीन के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 125.517 आना चाहिए, और ज्योमेट्रिक मीन के जो अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो आना चाहिए आपका 124.3, और इसके अकॉर्डिंग तो सिंपल है, निकाल लेना, ये आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क है, पूरा ध्यान से करना बेटा, ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम वेटेड एवरेज मेथड देखेंगे, वेटेड एग्रीगेट मेथड पढ़ेंगे, चलिए बाय बाय, टेक केयर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप इस वीडियो के लिए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए लाइक करना ना भूलें और फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।